अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का वक्त नहीं हो रहा, आज जो है दोपहर को उठे थे हम। जहाँ से मैंने कल का व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से कल का व्लॉग स्टार्ट किया है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जाके फुल ऑन सो गई थी मैं, और फिर मैं और शायान आराम से उठे थे नवाबों की तरह 2 बजे। और फिर उठने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया। मेरा नाश्ते का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जो है शायान के साथ चख लिया था, मतलब हल्का फुल्का सब ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर इसके बाद एडिटिंग का काम आ जाता है, वो किया। जो कल वाली वीडियो थी वो मैंने उसके बाद ही एडिट की थी और 4 बजे अपलोड भी कर दी थी। और फिर जो है इसके बाद करनी थी सारी तैयारी, तो वो सारा व्लॉग मैंने आज बनाया है। जितनी भी जो मुझसे बन पड़ा वो सब किया, क्योंकि जो है इतना ज़्यादा थकन हो जाती है। कहीं पे भी जाते हैं, जाहिर है घर के काम भी करने होते हैं, फिर सारी तैयारियां भी करनी होती हैं, फिर आके समेटना भी होता है सब चीज़ों को, तो फिर इसमें जो है ना बंदा उलझ के रह जाता है, तो सब जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो मैंने आज का जो घर का व्लॉग था ना, बहुत कम बनाया है। सारा जो व्लॉग आपको मिलेगा ना, मज़ा बहुत आएगा। सारा जो आपको व्लॉग मिलेगा वो होगा वलीमे का। शायान का नाश्ता तैयार हो गया था, तो शायान को मैंने नाश्ता दे दिया है, वो आराम से बैठ कर अपना नाश्ता कर रहा है, और मैं जो है यहाँ पर बैठ कर अपनी एडिटिंग भी कर रही हूँ और इसकी वीडियो साथ में बनाती भी जा रही थी मैं। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी हारिस के रूम में। यहाँ पर कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो है मैं चाह रही थी कि दोनों एक जैसे कपड़े पहने, लेकिन हारिस पहनना चाहता था ये हुडी, अभी रिसेंटली ली है शादियों की शॉपिंग में ही। तो हारिस ने मुझसे कहा था कि मैं हुडी पहनूंगा, तो फिर शायान के लिए मैंने ये वाला निकाल लिया था, इसका ये जो यूनिफॉर्म बोलने वाली थी मैं ये वाला ड्रेस निकाला था शायान का, और ज़ैनब के लिए ये निकाला था, क्योंकि भाई की बेटी भी सेम ही पहनने वाली है, दोनों का सेम है। तो इस तरह से आज की स्टोरी। और मेरा जो है, मैं ये वाला आउटफिट वेयर करूँगी, ये मैंने पहले पहन चुकी हूँ मैं, लेकिन आज दोबारा से रिपीट करूँगी। कोई बात नहीं, रिपीटेशन करनी चाहिए, कपड़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको वेडिंग के जो आप ड्रेसेस बनवाते हैं ना, कम से कम 5 से 6 बार तो पहनने ही चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ लेस लगी हुई है नीचे दामन पर, और बटन पट्टी जो होती है उस तरह से डिज़ाइनिंग हुई हुई है नेक लाइन पर। फिर इसके बाद सैंडल्स निकाले हैं, ये भी एक बड़ा तमाशा है कि जैसे कपड़े वैसे सैंडल्स के हिसाब किताब। तो कल मैंने जो है खुसा वेयर किया था, तो आज मैं पहनूंगी सैंडल। तो अपने भी निकाले हैं, ज़ैनब की भी हील्स पहननी थी ज़ैनब को, तो ज़ैनब ने हील्स निकाली हैं। ज़ैनब ने तो नहीं निकाली हैं, खैर मैंने ही निकाली हैं ज़ैनब के लिए। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम शाम के टाइम पर। शाम को जो है मेकअप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है ना हम लेडीज़ का, वो यही होता है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी यही होता है। हम कहते हैं कि हम 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें लगता पूरा 1 घंटा है। तो मैंने जो है सारा मेरा मटेरियल, मेरा जितना भी वेपन कह लें, कारतूस कह लें, जो भी कह लें, ये सब निकाल लिया है मैंने जल्दी जल्दी ड्रॉअर में से। और अभी इस वक्त जो है ना, ये सब फैला हुआ पड़ा है, मुझे ये सब जाके समेटना है एडिटिंग करने के बाद। खैर ये है आज का मेरा लुक। बाय 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 टाटा, सी यू। अब चलते हैं और आपको भी एंजॉय करवाते हैं। ऑब्वियसली ये तो आपको पता चल गया होगा, ये है स्टेज, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप था। यही वाला हॉल कल भी था और आज भी यही है, लेकिन सेटअप्स बिल्कुल चेंज। ये मेरी बेटी और भाई की बेटी दोनों ने सेम वेयर किया था आउटफिट, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आ जाती है एंट्री दुल्हा और दुल्हन की।
चेक करें ज़रा, न्यूली वेड हैं लेकिन कितना पता चलता है आजकल के जो ग्रूम और ब्राइड हैं, न्यूली वेड हैं, इनको पता कितना चलता है कि आजकल मैचिंग किस तरह से चल रही है। साथ में इनकी बहन खड़ी हुई है दुल्हा की। भाई मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं जो बहुत एहतियात से वीडियो को शूट करूं, किसी का चेहरा नहीं आए, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन आप लोगों को सारी वीडियोस भी चाहिए होती हैं। कल भी सब यही पूछ रहे थे कि आज का व्लॉग अपलोड करोगी, कब करोगी, कितने बजे करोगी, तो मैं 4 बजे व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। गाने को तोड़ मड़ोड़ के लगा रही हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए, लेकिन फिर भी अगर आ गया ना कॉपीराइट तो फिर मुझे सारा म्यूज़िक चेंज करना पड़ेगा और यूट्यूब का घिसा पिटा सड़ा हुआ म्यूज़िक लगाना पड़ेगा। अब डिनर टाइम, जो जो मैंने खाया ना वो आपको दिखाऊंगी। था बिरयानी खाने में और कोरमा था, लेकिन कोरमा मैंने थोड़ा सा ही चखा था, खाया नहीं ज़्यादा, फिर उसकी भी वीडियो भी नहीं बनाई। गाजर का हलवा था मेरा फेवरेट, तो वो मैंने खा लिया था। फिर इसके बाद होती है डांस पार्टी स्टार्ट, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन सॉरी कि भाई मैं सबके चेहरे नहीं हटा सक रही थी, मैंने बहुत कोशिश की। मैं ये जो पीछे बॉयज़ बैठे हैं सारे, मैं इनके चेहरे रिमूव करूँ, लेकिन मैं किस किस का चेहरा रिमूव करती, सारे के सारे पीछे जाके बैठ गए। किसी को बुरा लग जाए तो 2 रोटियाँ ज़्यादा खा लेना। अब आप लोग डांस इन्जॉय करें, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरे आज निकली वो बनके।